चैलेंजिंग है आपके लिए, क्योंकि जब भी कोई आपदा भी आती हो या कोई क्राइसिस होता है तो उसमें आपको याद किया जाता है? ये जो आज असाइनमेंट मुझे मिला है, इसकी सूचना मुझे अभी शाम में मिली है और कल मैं इस विभाग का प्रभार लूँगा। मैं सिर्फ एक चीज़ कह सकता हूँ, आपने पुल, रोड, बिजली का जिक्र किया है, इन सभी विभागों में टीम वर्क के चलते ही ये हम लोगों को रिज़ल्ट मिला है। और स्वास्थ्य विभाग में मैं चिकित्सा परिवार के जो तमाम लोग हैं, जो लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, मैं पूरी विनम्रता से उनसे अनुरोध करूंगा और हम लोग टीम के रूप में काम करेंगे। और टेस्टिंग जो है, जो सबसे बड़ा चैलेंज जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सौंपा है, तो हम लोगों को टेस्टिंग की संख्या को बढ़ाना है बहुत तेज़ी से। समय कम है लेकिन मुझे विश्वास है कि बिहार में जिस तरह का काम डॉक्टर्स और उनके मेंबर्स और इस फ्रेटर्निटी ने अब तक किया है, हम लोग मिलकर निश्चित रूप से कोशिश करेंगे कि ये जो भयंकर बीमारी है, इसको हम लोग कितना जल्दी, कितने कम समय में आम लोगों को राहत पहुंचा सकें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएस बिहार, मैं हूं आदेश पुरी। अभी बिहार जो है दो फ्रंट पर लड़ रहा है, एक फ्रंट कोरोना है और दूसरा है बाढ़। ऐसे में एक कैबिनेट की मीटिंग होती है, नीतीश कुमार 21 दिन बाद उस कैबिनेट की मीटिंग में बैठते हैं और सूबे के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे, वो जो हैं अपने सेक्रेटरी यानी कि स्वास्थ्य सचिव की शिकायत मुख्यमंत्री से करते हैं कि ये हमारी बात नहीं सुनते हैं, अपनी मनमानी करते हैं। नीतीश बाबू काफ़ी गुस्सा होते हैं और ये आदेश देते हैं और उन पे कहते हैं कि अगर आपसे ये डिपार्टमेंट नहीं चल रहा है तो आप इसे छोड़ दीजिए, किसी दूसरे डिपार्टमेंट में चले जाइए, लेकिन जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो नहीं कीजिएगा तो आप पर कार्रवाई की जाएगी और दंड भुगतने के लिए तैयार रहना होगा आपको। और ऐसे में जब सूबे के मुखिया नाराज होते हैं तो स्वास्थ्य सचिव उमेश सिंह कुमावत को हटा दिया जाता है और उनके बदले में लाया जाता है प्रत्यय अमृत को, जो कि खुद पहले से आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव हैं, ऊर्जा विभाग उनके अंडर में है और इसी के साथ उनको स्वास्थ्य विभाग का भी प्रमुखता से दिया जाता है, उसका सचिव बनाया जाता है। ऐसे में प्रश्न उठता है कि जब एक सरकार, यूं कहें पूरा दुनिया जो है एक कोरोना महामारी से लड़ने में भी असक्षम है, वैसे में बिहार में एक आईएएस अधिकारी जो है वो बाढ़ और कोरोना के दोनों फ्रंट पर कैसे लड़ सकता है? अभी ये सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि अभी पूरी टीम लगी हुई है, पूरी व्यवस्थाएं लगी हुई है, फिर भी बिहार में जो है बाढ़ के हालात कंट्रोल नहीं हो रहे हैं और कोरोना के जो मामले हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्या अमित प्रत्यय जो हैं अकेले ये इन दोनों बड़े डिपार्टमेंट को, और ऊर्जा, क्योंकि बरसात में जो है बिजली का जो लोड शेडिंग होता है वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, तो क्या जो अमृत प्रत्यय हैं इन दोनों फ्रंटों पर लड़ सकते हैं, अकेले संभाल सकते हैं इस चुनौती भरे समय में, जबकि दोनों विभाग की अभी सख्त ज़रूरत जो है बिहार को है और बहुत ही एक कहें तो युद्ध स्तर पर काम करने की ज़रूरत है दोनों डिपार्टमेंट को? वही बात अगली करें हम तो अमृत जो प्रत्यय अमृत हैं उनकी जो अभी तक भूमिका रही हुई है बिहार के आईएएस लॉबी में काफ़ी रौबदार, कड़क और ईमानदार अफसर की रही हुई है। ऐसे में क्या प्रत्यय अमृत जो हैं वो मंगल पांडे की बात को सुनेंगे? क्या मंगल पांडे जो निर्देश देंगे वो निर्देश को वो पालन करेंगे या फिर मुख्यमंत्री के आदेश के भरोसे रहेंगे? तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और एक वीडियो भी वायरल हो रहा है पिछले साल का कि एक राजद विधायक कैसे प्रत्यय अमृत के ऑफिस में पहुंचता है अपने क्षेत्र की प्रॉब्लम को लेकर और किस तरह से वो उसके साथ व्यवहार करते हैं। तो इन सभी प्रश्नों को, स्थितियों को देखते हुए एक बहुत बड़ा एक प्रश्न खड़ा होता है कि क्या प्रत्यय अमृत जो हैं वो बिहार को कोरोना और बाढ़ के डबल प्रॉब्लम से निकाल सकते हैं या फिर जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके निर्देशों पर चल सकते हैं, उनकी बातों को मानेंगे या फिर अपनी ही मनमानी करेंगे? तो इस समय बहुत बड़ा प्रश्न है कि क्या बिहार में कुछ ही आईएएस अफसर हैं जो कि सारे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट चला सकते हैं? अभी हम देखें तो कुछ 7-8 अफसर जो हैं वो सारे अहम डिपार्टमेंट चला रहे हैं, उनके एक अफसर के पास 2-2, 3-3 पर भार हैं और बहुत सारे अफसर जो हैं वो ऐसे डिपार्टमेंट में हैं जहां पर उनकी उपयोगिता उतनी नहीं है और उनकी उपयोगिता ऐसे फील्ड में हो सकती है जो भी अभी चुनौतीपूर्ण है।
तो इन सभी मुद्दों पर विचार करना चाहिए और हम जो बिहार सरकार जो फैसला लिया है हम मना सकते हैं कि प्रत्यय अमृत जो हैं इन दोनों फ्रंट पर जो है जीत दर्ज करेंगे और अच्छे से काम करेंगे और बिहारवासी जो हैं उन्हें कोरोना और बाढ़ दोनों से निजात मिलेगी, हम इसकी आशा कर सकते हैं। लेकिन जो परिस्थितियां हैं उसमें ऐसा होते प्रतीत नज़र नहीं आ रहा है। फिलहाल जैसे कोई अपडेट होगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल HS बिहार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।